फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डे है, उन सबके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ दिनों से ना मैं एक चीज मेरे दिमाग में चल रहा है, ऐसे एक डिस्कशन बहुत चल रहा है कि अभी जो लोग 50 प्लस है एज, 50 के ऊपर जिनको उम्र है, उन लोगों ने एक लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। बात तो सही है, जैसे हम छोटे थे तो ये जो डिजिटल दुनिया, ये जो इतना गैजेट्स, कुछ भी नहीं था हमारे पास। और जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं कब से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, स्पेशली माय मदर, कि किताब आपकी सबसे अच्छे दोस्त है। तो आज भी इतना बुक्स हम पढ़ते हैं और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, मतलब आप अगर फ्री हो, आपको आप अकेले हो, पर वो लोनलीनेस आप फील नहीं करोगे अगर आपके पास एक अच्छा बुक है। तो ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं सब लोग माने। मैं जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, मेरी बेटी ने मुझे, सॉरी, मेरे हस्बैंड को ये किंडल गिफ्ट किया था उनका एक बर्थडे पे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, अरे कोई जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हम दोनों बहुत बुक्स पढ़ते हैं। बट दैट टाइम मेरे हस्बैंड देहरादून में थे, तो उनको इतना बुक्स ले जाने का ये सब कोई मतलब नहीं, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है, फिर शायद बॉम्बे आ जाएंगे। तो बेटी ने कहा, पापा आपके पास ज्यादा बुक्स नहीं है, तो आप ये रखिए और ये पढ़िए। पर क्योंकि हम लोग इतना यूज टू भी नहीं है और बुक्स पढ़ने का आदत है, तो एज यूजुअल यूज कम हुआ या जो भी हुआ, आई डोंट नो। जब वो वापस लेके आए, ये नहीं चल रहा था। फिर हमने दिया तो कह रहे, नहीं ये खराब हो गया, आपको नया लेना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, जरूरत नहीं है, जब यूज ही नहीं हो रहा है तो तुम खरीदो मत। मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये एक गैजेट जो हमने खरीदा है और एक साल बाद ही खराब हो गया, कोई यूज नहीं है, तो आज के जनरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरी बेटी ने भी कहा, कोई बात नहीं, एक और खरीद लेते हैं। पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर एक किताब आपके पास है, तो इस तरह से बिट्रे नहीं करेगा आपके साथ पूरा जिंदगी, अगर उसको आप थोड़ा प्रॉपरली यूज करें एक किताब को। क्योंकि हम लोग बंगाली है, हमारे तो हर घर में, मैं मानती हूँ कि हर बच्चे किताब के बगैर सोचते नहीं है, पेरेंट्स से बचपन से सिखाते हैं बंगाली लिटरेचर। क्योंकि मैं खुद बंगाली मीडियम के स्टूडेंट हूँ, तो बचपन से मैं बंगाली पढ़ती हूँ, ज़्यादा उसी में इंजॉय करती हूँ। बाकी लैंग्वेज में मुझे इतना मज़ा नहीं आता है, जो मैं बंगाली किताब से मुझे जो मज़ा मिलता है। बंगाली लिटरेचर इतना वास्ट है, इतना उसका रेंज है, एक जिंदगी कम है उसको पढ़ने के लिए। तो जो भी फेमस है, क्लासिक है, हम पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं कि बंगाली, हिंदी में भी जो क्लासिक्स है, आप बार बार उसको अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको नहीं लगेगा कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है, रहने दो। ये ऐसे ही उस टाइम में शायद ऐसे लिखते थे, उस टाइम गाना भी ऐसा ही होता था कि हर एक इंसान अपने साथ वो स्टोरी या वो गाना उसके साथ रिलेट कर सकता था। तो आजकल थोड़ा मुश्किल है। फिर भी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में कितना बुक्स है। तो अभी हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, बहुत छोटा फ्लैट है, तो इतने बुक्स नहीं है। अभी कैलकटा में हम लोग कुछ साल पहले एक फ्लैट लिया है, तो जो यहाँ है ना, उसके डबल बुक्स हम ऑलरेडी कैलकटा शिफ्ट कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए हमारे पास बुक्स कितने। ये देखिए किताब, बंगाली मोस्टली। ये दूसरी अलमारी में, अभी ना ये कोरोना के चक्कर में, देखिए किताब के सामने मास्क, सैनिटाइजर सब आ गया।
पीछे सब किताब रह गया। देखा आप लोगों ने किताब, उसके बाद मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए किस किस को पुराने बातें याद आ जाते हैं। ये मेरा टेप रिकॉर्डर, दिस इज सिंगल कैसेट टेप रिकॉर्डर। ये मैं जब स्कूल में थी पर थोड़ा सा बड़ी हो गई थी तब पापा ने मुझे गिफ्ट किया था, एंड उस टाइम कैसेट जस्ट शुरू हुआ तो मेरे पास कुछ सिलेक्टिव कैसेट्स भी था। और ये मतलब ये मेरा अपना था, मेरा रूम में मैं रखती थी जब मेरे मन से मैं सुनती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के घर पे ना रिकॉर्ड प्लेयर था। एंड इतने रिकॉर्ड्स हमारे पास था उस टाइम, वो लॉन्ग प्लेयर छोटा वाला और एक मिडल होता था, वो उस टाइम नहीं चलता था उतना, दोनों साइज का रिकॉर्ड्स होता था। एंड हमारे घर में मतलब जब भी हम सब घर पे होते थे आइदर लाइव म्यूजिक होता था, क्योंकि मतलब मम्मी गाती थी, बाहर से भी सब आते थे तो म्यूजिक का पूरा शुरू हो जाते थे सब मिलके, अदरवाइज रिकॉर्ड चलता था। ये हमारा घर में मतलब रोज का म्यूजिक एक होता ही था। और बंगाली में यू नो कि रविंद्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, इतने अच्छे अच्छे अतुल प्रसाद, मतलब बहुत फेमस पोएट और उनके गाने, इवन जो मॉडर्न बंगाली सॉन्ग्स भी होता था वो भी बहुत अच्छा होता था उस समय का। एंड हिंदी गाना हमारे घर में अलाउड नहीं होता था, क्योंकि पापा ऐसे डांटते थे कि क्या पान का दुकान है, ऐसे गाना कैसे घर में बज रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन ऐसा था कि पर्टिकुलर वही म्यूजिक आदर प्योर क्लासिकल और सेमी क्लासिकल और मॉडर्न, पर वो भी बहुत सेलेक्टिव और बहुत गिने चुने, मतलब कुछ डिस्को कैवर एवर ये सब नहीं चलेगा। पर वो मैं उस तरह से बड़ी हुई और रिकॉर्ड्स एक्चुअली जब मम्मी पापा का मकान बेचना पड़ा एंड में, तो पड़ा मतलब पापा के डेथ हो गया था, मम्मी अकेली और मम्मी ज़्यादातर मेरे पास रहती थी और मेरे भाई के पास भी रहती थी। खैर मतलब ऐसा हुआ कि मम्मी ने मकान सेल किया और उसके बाद मम्मी खुद ही चली गई, तो तब हमने मम्मी के घर में सारी चीज़ें इंक्लूडिंग दैट रिकॉर्ड प्लेयर रिकॉर्ड्स, क्योंकि बॉम्बे सब कुछ लाना पॉसिबल नहीं था, तो सब रिलेटिव्स फ्रेंड्स जिसको जो पसंद था उनको वो हमने दे दिया। और ये छोटा छोटा चीज़ जैसे ये मुझे पता नहीं, ये सब बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ, पर इतना क्लोज दिल के पास ये सब चीज़ें था तो मैं ये लेके आई। इवन मैं शादी के बाद जब आई मेरे हस्बैंड के पास, उनके पास इतना कैसेट्स, और उनके पास वो टू इन वन था जो डबल कैसेट होता था और शायद आई डोंट नो रेडियो भी होता था शायद उसमें, तो मैं वो देख के इतना खुश हो गई थी कि चलो यहाँ आके भी म्यूजिक का एक माहौल मिल गया मुझे। पर अभी तो कैसेट चलता ही नहीं है, मिलता तो है ही नहीं, एंड ये सब भी शायद चलता नहीं है, बहुत सारा चलाए भी नहीं, लेकिन कैसेट्स हमारे घर में अभी भी भरपूर है, क्योंकि मेरे हस्बैंड्स को कुछ मतलब फेंकना और डिस्कार्ड करना उनको पसंद नहीं है, वो कहते नहीं म्यूजिक का मतलब अभी भी वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई दुकान है जो कैसेट से उसको डिजिटली कन्वर्ट कर दे, पेन ड्राइव में दे दे, ऐसे सब कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ, पर अभी भी सब रखा है। चलिए मैं दिखाती हूँ, आइए अभी आप लोगों को ना कैसेट का कलेक्शन दिखाती हूँ। ये देखिए बंगाली है, क्लासिकल्स है, बहुत सारे वैरायटीज, सब तरह के कैसेट्स मिल जाएगा। देखिए बॉक्स भी कितना सुंदर है, ये खुल जाता है और फिर अंदर भी पूरा भरा हुआ, हाँ। एक और चीज देखिए, ये भी आप लोगों को याद होगा, वॉकमैन, जैसे कैसेट भी आजकल कुछ काम में नहीं आता है ऐसे ही पड़ा है, ये भी ऐसे ही है, पर वही कि हम लोगों को कुछ ऐसे ही फेंकना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए प्यार से सब कुछ सजा के रखा है।
देखिए रिकॉर्ड प्लेयर से हुआ कैसेट के बाद सीडी, नहीं सीडी के पहले, हाँ याद आ गया, सीडी के पहले एक और होता था वीडियो कैसेट, जो वीसीआर वीसीपी एक होता था, वो भी मेरे पास था, बहुत सारे वो कैसेट्स भी था। फिर वो वीसीआर और वो सब मिलना बंद हो गया, फिर बहुत सारे कैसेट्स को हमने सीडी डीवीडी में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद देखिए सीडी आ गया, तो मेरे पास सीडी भी भर भर के है बहुत सारे, इवन मेरे शादी का पहले वो डीवीडी, वो जो वीसीआर बड़ा वाला उसमें बना था एक्चुअली, फिर उसको डीवीडी में कन्वर्ट किया। अभी तो ऐसा लग रहा है डीवीडी में भी वो शायद नहीं चलेगा, शायद कुछ और करके डिजिटली उसको पेन ड्राइव में लेना पड़ेगा। तो ये हो गया, और एक चीज आपको दिखाती हूँ, ये भी आप लोग देख के पहचान जाएंगे इसको, हैंडीकैम। उसके बाद मैंने ये खरीदा और ये कैसेट के साथ ये चलता था। फिर इसमें आया छोटा छोटा डीवीडी डिस्क काइंड ऑफ, जिसमें रिकॉर्डिंग होता था। पर आजकल तो मोबाइल डीएसएलआर छोटा छोटा, मतलब इतना अच्छा रिकॉर्डिंग उसमें ही हो जाता है, तो ये हैंडी कैमरा मैं भी यूज नहीं करती। मेरा घर में, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि आधा चीज किसी सब से भरा हुआ है पुराना। हाँ एक और बात है, ये 2018 टाइम्स म्यूजिक से मेरा एक सीडी निकला, तब भी मैंने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी फिर चेंज हो जाएगा। और देखिए अभी ऐसा है, मैं ये सीडी मैं किसी को सेल नहीं करती, तो मैं सबको गिफ्ट करती हूँ। पर अभी सिचुएशन ऐसा है, ये किसी को गिफ्ट करने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है कि मैं दूँ क्या, फिर उनके पास ये सीडी प्लेयर है क्या, फिर बेचारे क्या करेंगे, उनको ऐसा ना लगे कि मैं दे रही हूँ पर वो प्ले नहीं कर पाए। ये देखिए सीडी, ये देखिए सीडी, और उसके साथ ये छोटा छोटा हैंडीकैम का जो कैसेट्स, यहाँ पूरा मेरा डांस और म्यूजिक का, ये सब भरा हुआ सीडी पैक करके रखा है। ये जो जगह है ना, यहाँ पहले एक्चुअली पूरा एक ह्यूज म्यूजिक सिस्टम था, मतलब अलग अलग कंपनी का, जिसका जो बेस्ट होता है, किसी का एम्पलीफायर, किसी का स्पीकर, किसी का प्लेयर, तो ऐसे असेंबल करके, मतलब अलग अलग कंपनी से लेके उन्होंने खुद 25 साल से भी ज़्यादा हुआ वो हमारे पास था। एंड उस टाइम कुछ मतलब लाख से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव था वो सब सिस्टम, इतना साल था, पर उनको लास्ट में तो ऐसा हो रहा था कि ख़राब हो रहा था, फिर भी मेरे हस्बैंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर बहुत समझा बुझा के वो चीज़ को, किसी को एक्चुअली गिफ्ट, मतलब किसी ने बोला हमें दे दीजिए, तो किसी को दे दिया हमने, फिर ये जगह मैंने थोड़ा सा उनको समझा के खाली किया। मतलब इतना क्विक, इतने चेंजेस, तो पता नहीं कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि अरे बाप रे कितना भागे। पर ये सब कुछ का ना अच्छा साइड भी है, बुरा साइड भी है। देखिए अच्छा साइड तो है कि इतना टेक्निकली इतना हम लोग अपडेटेड रहते हैं, अभी गूगल सर्च करिए तो सब कुछ मुट्ठी में है, तो सब पता चलता है। पर इसका बुरा इफेक्ट जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, अभी के जो जनरेशन है ना, उनके लिए ना ये इमोशन फीलिंग्स ये सब थोड़ा सा कम होते जा रहा है, बिकॉज उनको पता है कि अभी ये कुछ काम का नहीं है, मैं फेंक दो, नया जो आया मार्केट में वो ले लो। तो इसलिए ना उन लोगों को कोई भी चीज को छोड़ना और कोई भी नया चीज को एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ये कितना अच्छा है कितना बुरा है वो आप लोग ही बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जनरेशन थोड़ा सा उनका
they are also getting light, little mechanical, practical hair. आज इतना ही, बहुत कुछ आज मैंने अपना पुराने जो भी था मैं आप लोगों से शेयर किया, अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद ना ये सब चीजें एक्चुअली हाथ में लेके भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक टाइम में मैं इतना यूज करती थी, और बिकॉज आई एम डांसर तो मेरे पास वो डांस का वीसीआर, बहुत सारे कैसेट्स, म्यूजिक इतना है, सीडी और ये सब, मेरा मतलब घर का आधा चीज तो इससे ही भरा हुआ है। आज इतना ही, और मैं चाहती हूँ आप सब लोग, आप लोगों के भी ऐसे कुछ यादें हैं, आप लोग क्या सोचते हैं अपना बारे में, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, अगर ऐसे आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर मुझे बताइए। और आज इतना ही, माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मॉली, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, पर कॉमेंट तो जरूर करना, कि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर न्यू एनर्जी लेके मैं आपके सामने आ जाती हूँ। आज इतना ही, नमस्कार।